एक सच्ची घटना है। एक गुरुजी है, उनको एक भोलो भालो शिष्य है, तो ज्यादा कछु जान तो नहीं हूँ। तो सब चेला बाकी मजाक उड़ायो करते। तो एक दिन देखी के सब माला फेरे, मुँह पे तो कोई मंत्री ना है। तो सब चेलन ने कही जा गुरुजी ते ले ले। तो गया गुरुजी के जोरे, गुरुजी मोय गुरु मंत्र दे दो। गुरुजी ने सोची जे मोटी बुद्धि है, का मंत्र जाप करेगो। सो बोले ठीक है, दूंगो दूंगो बाद में दूंगो। फिर एक दिन बोला गुरुजी मोय गुरु मंत्र दे दो। तो गुरुजी थोड़ी भीड़ में बैठे, बोले बेटा जब मैं अकेले में बैठा हूँ तब लीजो। बोला ठीक है। फिर वो ढूंढता रहता था गुरुजी कब अकेले में बैठेंगे तो मैं उनसे गुरु मंत्र लूँगा, कब वो अकेले में बैठेंगे तो मैं गुरु मंत्र लूँगा। एक दिन की बात, सवेरे सवेरे गुरुजी हाथ में लोटा लेके अपना जंगल जा रुकू गए। सो एक झाड़ी के पीछे बैठ गए। तो बाने देखी कि गुरुजी बिल्कुल अकेले हैं, जा समय कोई गुरुजी के पास नहीं है। और गुरुजी कह रहे कि जब मैं अकेला बैठा हूँ तब मंत्र लियो। सो गयो, बोलो गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। अब तो गुरुजी अपनी माँ देखें, कब उबा के माँ देखें। अरे बिल्कुल कतई मोटी बुद्धि है, कम से कम बखत बे बखत को तो देखो कर, कौन से समय कौन सा कार्य करना चाहिए, इतना सहूर नहीं है का। बोलो जी गुरुजी। सो आ गया वाने का, सोची के मोए गुरुजी ने गुरु मंत्र दे दियो। सो जब भी लगो अरे यार बखत बे बखत को तो देखा कर, अरे यार बखत बे बखत को तो देखा कर, ऐसे धुन बांध दी उसने। फिर एक दिन आए बोलो कि सब चेला भिक्षा करवे जाए, मैं हूँ गांव में भिक्षा करवे जाऊँगो। सो बाद ना वो ही भिक्षा करवे गयो, और कोई चेला भिक्षा करवे गयो ही ना। जब वो गयो पूरा गांव एक ही जगह इकट्ठा है रखो, तब आने सोची चलो अच्छा भयो घर घर नहीं जाना पड़ेगा, पूरा गांव एक जगह इकट्ठा यहीं मिल जाएगी। वह भीड़ में घुसा तो देखा कि एक गांव का जो होता उसका छोरा मर गया है। तो वहां सब लोग इकट्ठे हैं, तो अब वहाँ कौन भिक्षा की दे, वहाँ तो रोआ पीट मच रही है। तो उसने कहा कि खाली हाथ घर लौट के जाऊँगा तो चेला सब हंसी उड़ाएंगे, गुरुजी मारेंगे, कछु काम को नहीं है। भिक्षा करवे गयो तो खाली हाथ लौट आयो। सो बोले की बातें, जो मर गयो का वा छोरा थे दो बात कर लूँगा। अरे महाराज का बात करोगी जी, तो मर गयो ना है। ना भैया बस दो बात। सुबह को मोहरे पे थे कपड़ा उठायो और बोले अरे यार बखत बे बखत को तो देखो कर, किस समय नहीं मरना चाहिए, किस समय नहीं मरना चाहिए, इतना सहूर ना है तुम्हें। इतनी कही कि वो तो मरो मराया उठ के बैठा है गया। अब जब वो जिंदा भया तो पूरा गांव जय जयकार करवे लग गया। वो बोलो मोई भिक्षा दे दो, मो आश्रम जाना है। अब मैं कौन सुने, अब तो लोगों ने हाथी पे बिठा दिया, पूरा गांव पीछे भागे, वो आगे आगे भागे, पूरा गांव पीछे पीछे भागे। देखो तुम सब मेरे पीछे मत जाओ, गुरुजी मुझे मारेंगे। लेकिन वह सुने कौन, पूरा गांव आया। चेलाओं ने सोची कछु उपद्रव करिया है, ठीक है पूरा गांव पीछे आ रहा जाके। तो गुरुजी बाहर आए, का किया तूने। गांव वाले बोले गुरुजी मरो मरायो छोरा जिंदो कर दियो, वह छोरा प्रणाम करवायो, मुझे तो नई जिंदगी दे दी इन्होंने। तो गुरुजी ने पूछी क्यों रे क्या किया। बोला गुरुजी मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया सो आप ही नहीं किया। बोला बता, गुरुजी बोले बता तो क्या किया। बोले गुरुजी जो आपने गुरु मंत्र दिया था मैंने वही उसके कान में बोल दिया और वो जिंदा हो गया। तो गुरुजी बोले मैंने तुझे कब गुरु मंत्र दिया, मैंने तो अभी तक तुझे गुरु मंत्र दिया ही नहीं है। बोले अरे गुरुजी आप भूल गए, उस दिन आप झाड़ी के पीछे बैठे थे तो आपने गुरु मंत्र नहीं दिया था। बोले हाँ। तब उनको याद आया वो मैंने तुझे गुरु मंत्र थोड़ी दिया था, वो तो मैं तुझे समझा रहा था। और बड़ी प्यारी बात है कि गुरु के वचन पर कभी संदेह मत करिए, जो उन्होंने कहा है वो सच होगा ही होगा। और पार्वती जी ने मान लिया कि वो सच होगा ही होगा। मैं तप करूंगी,
तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरई मही भारा। मैं तप करूंगी।